गुड मॉर्निंग एवरी वन, इट इज़ द वीडियो फॉर योर चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, सो जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में रॉक साइकिल, रॉक्स फॉर्मेशन ये सब सारा पढ़ चुके थे, तो इस वीडियो में हम लोग उसका बैक ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन है द अदर नेम फॉर अर्थ क्रस्ट। अदर नेम अर्थ क्रस्ट का क्या है? दैट इज़ लिथोस्फेयर। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो होगा। फिर अदर नेम फॉर मेंटल, मेंटल का अदर नेम क्या हो जाएगा? मेसोस्फेयर। थर्ड क्वेश्चन क्या है? द मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूट्स ऑफ द कोर। ठीक है, तो कोर किस किस चीज़ से बना हुआ है? तो हम लोग पढ़े थे NiFe से बना हुआ था कोर, तो Ni हो गया हमारा निकल और Fe हो गया हमारा आयन। तो बी ऑप्शन जो है, दैट इज़ निकल एंड आयन, वो हमारा क्या है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता कौन मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, तो मेटामॉर्फिक रॉक मार्बल मेटामॉर्फिक है, स्लेट मेटामॉर्फिक है, क्वार्ज़ाइट मेटामॉर्फिक है, जो जो ग्रेनाइट है ना, ये मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर मेटामॉर्फिक रॉक किस चीज़ से बनता है? तो रिक्रिस्टलाइजेशन एंड चेंज ऑफ रॉक, इसी से वो बनता है, क्योंकि कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से इग्नियस रॉक बनता है, कंप्रेशन एंड कंपैक्शन ऑफ सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बनता है, इरोजन ऑफ रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनता है। तो ये जो ए ऑप्शन है, दैट इज़ रिक्रिस्टलाइजेशन एंड चेंज ऑफ रॉक, ये आपका हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक का रिजल्ट। अब आता है वन वर्ड, दैट इज़ रॉक्स आर मेड अप ऑफ। तो रॉक किस चीज़ से बना होता है? मिनरल से बना होता है, याद रखिएगा रॉक मिनरल से बना हुआ है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्या होता है? तो सबसे अंदर का पार्ट क्या होता है? सबसे ऊपर होता है हमारा क्रस्ट, फिर अंदर होता है मेंटल, और सबसे अंदर होता है कोर। तो सबसे अंदर क्या हो जाएगा? इनर मोस्ट पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? कोर हो जाएगा। स्टडी ऑफ रॉक को क्या बोलते हैं? तो स्टडी ऑफ रॉक को पेट्रोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद आता है द एवरेज थिकनेस ऑफ 8 to 10 किलोमीटर किसका होता है? तो ये क्रस्ट का होता है। देन आफ्टर दैट द लेयर्स ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो याद रखिए सियाल से क्या बना होता है? तो सियाल से हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना, वो बना हुआ होता था, और जो सीमा होता है उससे क्या होता है? ओशियनिक क्रस्ट इससे बना होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, अगर सिलिका एंड एल्युमिनियम ही बस पूछ रहा है, तो सिंपल क्रस्ट कैन बी आल्सो एन आंसर। उसके बाद आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कोर एंड क्रस्ट। ठीक है, तो अब हम तीनों डिफरेंशिएशन देखेंगे, कोर एंड क्रस्ट का, रॉक्स एंड मिनरल्स का, एंड इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक का, तीनों का हम लोग अभी डेफिनेशन देखते हैं। ओके, सो डिफरेंशिएट बिटवीन कोर एंड क्रस्ट, तो ये हमारा कोर और क्रस्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो कोर क्या होता है? तो इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इट लाइज बीनीथ द मेंटल। यही अगर क्रस्ट का देखें तो क्रस्ट क्या हो जाएगा? तो इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे ऊपर जो अर्थ का पार्ट होता है, लाइक ये हमारा अर्थ है, तो सबसे ऊपर जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा क्रस्ट होगा, और सबसे इनर मोस्ट जो होगा वो क्या होगा? हमारा कोर होता है। ये किस चीज़ से बना हुआ होता है? तो याद रखिएगा द मिनरल्स फाउंड हियर इन द कोर आर निकल एंड आयरन। ठीक है, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज नाइफ, एंड द मिनरल फाउंड इन द क्रस्ट इज सियाल एंड सिलिका एंड एल्यूमिनियम, विच इज़ नोन एज सियाल। अभी हम लोग फिलअप में भी ये देखे थे। उसके बाद ये कहाँ तक होता है? तो इट एक्सटेंड फर्दर बिलो द मेंटल विच हैज़ अ थिकनेस ऑफ 2900 किलोमीटर। ये मेंटल के अंदर होता है, ये 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, लेकिन ये जो क्रस्ट है ना, ये 5 किलोमीटर और 30 किलोमीटर तक ही करता है। 5 किलोमीटर तक ओशियनिक क्रस्ट करता है, और 30 किलोमीटर तक हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट करता है, एक्सटेंड करता है। उसके बाद हमारा आता है डैट इज़ द कोर। ये जो कोर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, इनर कोर एंड आउटर कोर, लेकिन जो हमारा क्रस्ट है ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड, दैट इज ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ये डिफरेंसेस आप लिख सकते हो कोर और क्रस्ट का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल्स, तो हम लोग रॉक्स एंड मिनरल्स का भी डिफरेंस देख लेते हैं। सो ये डिफरेंस है हमारा रॉक्स और मिनरल्स का, तो ये हमारा रॉक्स हो गया
और ये हमारा मिनरल्स हो गया। तो पहला, रॉक आर द सॉलिड सब्सटेंस विच मे हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मिनरल। रॉक उसको बोलते हैं जिसमें एक से ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होता है। और मिनरल क्या होता है? ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो नेचर में नेचुरली अकर होता है, ठीक है, इसे कोई लाता नहीं है, ये खुद से पहले से ही ये नेचर में प्रेजेंट होता है। फिर रॉक डज नॉट हैव अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, लेकिन मिनरल्स हैव अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, ये याद रखिएगा। रॉक्स के पास कोई भी डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होता, रॉक जो है वो मिनरल से बना होता है, लेकिन मिनरल के अंदर कोई ना कोई केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। एग्जाम्पल हो गया मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सब कुछ रॉक है। लेकिन अगर मिनरल देखें तो आयन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया। अब बहुत सारे आयन, कैल्शियम, ये सब मिलकर एक रॉक बन सकता है, लेकिन सिर्फ आयन का रॉक नहीं होता, सिर्फ एल्यूमिनियम का रॉक नहीं होता है। तो रॉक जो होता है ना, वो बहुत सारे मिनरल से मिलकर बनता है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया रॉक्स और मिनरल्स का। अब आते हैं इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक का। तो इग्नियस रॉक आप देख सकते हो, इग्नियस रॉक इज़ वन ऑफ द थ्री मेजर रॉक्स फॉर्म बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। सिंपल आप लिख सकते हो, इग्नियस रॉक और द रॉक विच आर फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। और सेडिमेंटरी रॉक क्या है? तो इट इज़ अ मेजर टाइप ऑफ रॉक ऑन द अर्थ फॉर्म बाय द लिथिफिकेशन प्रोसेस, दैट इज़ इसको हम लोग बोल सकते हैं इरोजनल प्रोसेस, इरोजनल एंड डिपोजिशनल प्रोसेस, ठीक है। ये आप लिथोफिकेशन को इरोजनल और डिपोजिशनल भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि कोई रॉक जब इग्नियस रॉक फॉर्म किया, ये टूटा, टूटने के बाद ये कहीं जाकर जमा हो गया, तो पहले इरोजन हुआ, उसके बाद कहीं जाकर डिपॉजिट हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये लिथिफिकेशन बोलते हैं। ओके, अब देखो फॉर्म कैसे होता है। तो फॉर्म मॉल्टन लिक्विड मिनरल्स कॉल्ड मैग्मा, मॉल्टन लिक्विड से बनता है जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। उससे ये जब वो सॉलिड होता है, जब वो कूल डाउन करके सॉलिड फॉर्म करता है, तब जाकर मैग्मा बनता है। और ये क्या होता है? तो देखो, फ्रॉम लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन मतलब क्या? सीमेंटिंग, कॉम्पैक्टिंग, हैडिंग, वही टूटना, उसके बाद जमा होना, इसी को हम लोग ये लिथिफिकेशन बोलते हैं। ये कैसा होता है? तो नन पोरस होता है ये, लेकिन पोरस होता है, ठीक है। वाटर इसमें पेनिट्रेट कर नहीं कर सकता है, इसमें वाटर पेनिट्रेट कर सकता है। इसके अंदर फॉसिल नहीं होता, बहुत कम फॉसिल होता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मैग्मा से बना हुआ है ना, इतना ज़्यादा ये हॉट होता है कि अंदर जो भी चीज़ आता है वो जल जाता है। लेकिन ये फॉसिल से बना होता है, ये हार्डर होता है इग्नियस रॉक, ये सॉफ्टर होता है। तो इट इज़ हार्ड एंड इट इज़ सॉफ्ट। फिर ये टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ एसिडेड लो एंड ये रिएक्ट विथ हाई, ठीक। अब ये कैसा कलर का होता है? तो मे बी लाइट और ग्रे कलर, ये होता है हैव अ ग्रेट कलर वेराइटी, इसके पास बहुत ज़्यादा कलर होता है। तो ये आप इसमें से कोई भी चार या पॉइंट या पूरा का पूरा पॉइंट आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये तो कुछ वन वर्ड टाइप है। ओके, सो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर ये सब डिस्कस कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।